सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से लॉसेस होते हैं और उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमने ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो बताया था मैंने आपको कि मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है ओपन सर्किट टेस्ट का। और सेकंड में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में भी अगली वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि हम भी मोटिवेट होते हैं जब आप हमको लाइक या कमेंट करके बताते हैं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है ना। तो चलिए इसे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वो हम करते क्यों हैं, है ना। तो देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर दो टाइप के लॉसेस होते हैं हमारे। एक होता है हमारा कॉपर लॉस और दूसरा होता है हमारा आयरन लॉस। अब कॉपर लॉसेस जो होते हैं हमारे, वो लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो लोड के हिसाब से ही वैरी करते हैं। लेकिन आयरन लॉसेस जो होते हैं हमारे, वो चाहे हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में हो या ऑन लोड कंडीशन में हो, दोनों कंडीशन में ही हमारे जो आयरन लॉसेस होते हैं वो मतलब कॉन्स्टेंट रहते हैं, है ना। वो वैरी नहीं करते। वो जो नो लोड में जो लॉसेस रहेंगे, सेम लॉसेस हमारे मतलब ऑन लोड में भी रहते हैं। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ये आयरन लॉसेस को मतलब कि हमारे ट्रांसफार्मर में कितने आयरन लॉसेस हो रहे हैं उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है। ठीक है, कि हम इस तरीके से ओपन सर्किट टेस्ट से हम आयरन लॉसेस की कितने हो रहे हैं हमारे ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस, वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये किया कैसे जाता है ना, इस बात पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है कि जिसमें हम एक नॉर्मल वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लो टेंशन यहाँ पे दिखा रखा है और जो आउटपुट है ये इसकी ST दिखा रखी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसकी प्राइमरी जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉयल है, इससे पहले हम एक वाट मीटर लगाते हैं, एक एमीटर लगाते हैं सीरीज में और एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, ताकि हम जो हमारी दी गई वोल्टेज है उसको और करंट को हम देख सकें। ठीक है, और इसकी आउटपुट को या तो हम खुला रख देते हैं या फिर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। वो हमारी मर्जी है कि हम इसे खुला भी रख सकते हैं और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा करके हम वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि आउटपुट में हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो आयरन लॉसेज, देखिए दो मिनट ये देखिए, जब ट्रांसफार्मर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होता है ना, अगर हम प्राइमरी को जब सप्लाई देते हैं तो जो ये मैग्नेट जो कोर है हमारी, इसमें एक फ्लक्स जनरेट होता है। तो ये फ्लक्स जनरेट जो होता है, इसकी मतलब चाहे ये ऑन लोड कंडीशन में हो हमारा ट्रांसफार्मर या फिर नो लोड कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, फ्लक्स हमारे सेम रहते हैं। ठीक है, चाहे ट्रांसफार्मर के अंदर हम कितना भी लोड क्यों ना दे दें, हमारे जो फ्लक्स होंगे वो सेम रहेंगे। तो इसकी वजह से जो हमारे आयरन लॉसेस होते हैं वो भी सेम ही रहते हैं, नो लोड कंडीशन में भी सेम रहते हैं और ऑन लोड कंडीशन में भी हमारे जो ये फ्लक्स हैं ये सेम रहते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे आयरन लॉसेस हैं वो भी हमारा सेम रहता है, आयरन लॉस हमारा कभी भी वेरी नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक वाट मीटर लगा रखा है और एक एमीटर लगा रखा है और यहाँ पे हमने पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया ट्रांसफार्मर के पैरेलल में, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से पहले। ठीक है, और आउटपुट में हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। तो होता क्या है कि जब हम एक नॉर्मल वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर को देते हैं, तो क्योंकि हमने यहाँ पे लोड तो कुछ लगा ही नहीं रखा है ना, तो जितना इसके अंदर आयरन लॉसेस होंगे, यानी कि जो फ्लक्स जब जनरेट होंगे तो आउटपुट हमको वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी से, तो जितना फ्लक्स जनरेट होने में जितनी भी एनर्जी जो हमारी वेस्ट हो रही है, उससे हम इस वाट मीटर से हम पता कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है ना। और ये एमीटर से हम यहाँ पे करंट देख सकते हैं कि कितना करंट ये ट्रांसफार्मर जो है ये कितना करंट ले रहा है।
मतलब कि बहुत नॉर्मल होता है, अगर आप कॉलेज में कभी ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर आप करेंगे, तो ओपन सर्किट टेस्ट में जब आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एमीटर जब लगा के चेक करेंगे आप, तो बहुत नॉर्मल सा करंट रहता है, बहुत कम करंट ये एमीटर दिखाता है। और वाट मीटर में भी हमारा मतलब ज़्यादा लॉसेस नहीं होते हैं, हमारे जो पावर जब वाट मीटर से जब हम पावर देखते हैं, तो ये भी एक नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होते हैं हमारे, जब हम किसी ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं, तो उस टाइम पे इसका ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों ही किए जाते हैं। तो ये उस टाइम के लिए है ना, जब हम कोई ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस या फिर इंस्टॉलिंग करते हैं, तो उस टाइम के लिए टेस्ट हम लोग नहीं करते। बट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, एक ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते टाइम, वहाँ पे ये सब चीज़ें देखी जाती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएं, और कमेंट आप प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप हमें कमेंट करके बताएंगे नहीं, तब तक हमको पता लगेगा नहीं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है ना। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।